नमस्कार, आप देख रहे हैं द आजाद आवाज। मैं डॉली पांडे आपके साथ, आपके मुद्दे आपकी आवाज। अधिकारियों की लापरवाही व लाल फीताशाही से पूर्व प्रधान हुए कंगाल। मामला झांसी जनपद के बंगरा ब्लॉक का है। यहां पर ब्लॉक व जिले के अधिकारियों की मिलीभगत से पूर्व प्रधानों को गौशाला संचालन के वक्त खर्च हुआ पैसा लेने के लिए दो चार होना पड़ रहा है। विगत एक साल से पूर्व प्रधान वीडियो सीडीओ अधिकारी जिला अधिकारी व आयुक्त को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक उनका भुगतान नहीं किया गया। देखिएगा ग्रामों से ग्राउंड रिपोर्ट। नाम क्या है प्रधान जी आपका? नाथुराम कुशवाहा। अच्छा, आप कब प्रधान थे? हम इससे पूर्व में 2015 से। हाँ, 15 से पठाकर का। तो आपका कितना भुगतान बकाया है? हमारा जब से गौशाला शुरू हुई और जो प्रशासनिक तौर पर हमसे भी गौशाला चलवाई गई, सारा 32 लाख रुपया हमारा शेष पड़ा है। मतलब 25 दिसंबर तक जो आधिकारिक रूप में हम थे, जब जब तक का 17.5 लाख है और इसके बाद 8 माह है हमारे यहाँ सदस्य ना होने का कारण। कुछ चुनाव के बाद वो पहले प्रशासनिक तौर पर हम ही ने गौशाला चलाई है। अधिकारी क्या कहता है? अधिकारी हम कमिश्नर साहब ना, DM साहब ना, कई बार माननीय सांसद जी, सभी के लोग CDO साहब के पास, सबके पास रोज भटकते हैं। 10 बार लेटर दे चुके हैं, कहीं कोई सुनाई नहीं होती है। कहा जाता है आज लेटर हो जाएगा, आज आदेश हो जाएगा, कागज़ दिखाओ। 5-5, 6-6 बार हमने कागज़ भी दिखाए और हमको जो गांव वाला का पैसा देना है, जिससे भूसा लिया है या जिन्होंने गौशाला में काम किया है, वो रोज़ हमारे दरवाजे पर ही आते हैं और हम परेशान भी हैं। गौशाला चलाते वक्त कुछ राशि ब्याज पर उठाई थी करी? हाँ, काफ़ी लोगों का उठाया था। जो हमें भुगतान देना है अभी, उनका ब्याज का भार हमारे ऊपर बढ़ रहा है और हमने कई बार अपने माननीयों से और BDO साहब से कई बार इस बात में लिख के दिया है, रिक्वेस्ट भी की है। CDO साहब बोल रहे कमेटी बना गई, BDO से रिमाइंडर लेटर पहुँचा, BDO कागज जमा नहीं कर पा रहे थे हम। ये 6 माह से यही सिलसिला चल रहा है, 1 साल होने वाला है वैसे, यही सिलसिला चल रहा है। उन ना जाते हैं हम, सभी प्रधान 14-15-17 प्रधान लगभग, सभी प्रधान जिले पर जाते हैं, बस कह दिया जाता है कि हम रिमाइंडर भेज रहे हैं और आपका आदेश कर देते हैं, जांच होगी, आपका होगा तो भुगतान करेंगे, लेकिन कोई धरातल पर काम नहीं हो रहा है। इसके लिए तो आप काफ़ी परेशान हो रहे हो? बहुत परेशान हैं हम, मतलब कि ना तो किसी काम धंधे में मन लगता है, ना कुछ कर रहे, बस उसी के चक्कर में रहते हैं कि इन लोगों का कैसे कर्जा का भुगतान किया जाए। और हमारे घर वाले भी इसी में सभी लोग परेशान रहते हैं। भैया आपका नाम भैया आपका नाम क्या है? गौरी शंकर। तो कौन से गाँव है जो? पठाकर का। तो भैया जो पूर्व प्रधान कह रहे कि हमारा रुपया फंसा हुआ है, सही कह रहा है कि झूठ कह रहा है? सही कह रहा है। गौशाला चलाई है कि इनने कागज में रख दिया के लिए? अरे गौशाला हम खुद वहाँ जाते काम करते। हाँ, और क्या है? गौशाला जब चली तो अन्ना जानवर रहते कि नहीं रहते? क्या जो पशु खेत बताओ ना रहते जब गौशाला चली जाए? नहीं नहीं, वहीं रहते सब। हाँ, और आप बताओ बच्चा आपका नाम क्या है? धर्मेंद्र कुमार। तो बच्चा गौशाला जब चली तो परेशान रहे के नहीं? तो फिर प्रधान जी झूठी कह रहे हैं कि सही कह रहा? पैसा सही कह रहे हैं, उनके फंसे हैं। और फिर भूसा आए तो उनके घर जाओ तो नहीं मांगे? आते ही है, उनने भी तो सब चुका दे उनके उनके फंसे। और बताओ भाई साहब आप? सही बात है का? उनका साला सही चली, वो कहूती भूसा उनने लाओ है मूल पैसा इनको फंसे। एक 1.5 साल हो गई लेकिन इनको पेमेंट ढूंढ ही रहे, परेशान है कि नहीं? है नहीं परेशान। प्रधान जी झूठी कह रहे हैं? नहीं झूठी नहीं, हमें खुद पता है। आप बताओ फसु है पैसा साहब? हम तो काम करते मैं। अच्छा, वहीं काम करते तो आपको भी रुपये देने जगह छूट लेने हैं साहब? बब्बा इनने गौशाला चलाई है प्रधान ने? हाउ अच्छी चलाई? हाउ